व्यवस्था में होते हैं, मतलब वो अपने आदर्श नियम का एक पालन करते हैं कि वो ना तो यहाँ पे एक धन हट जाए या ऋण ऐसा कुछ ना हो करके, एक धन जहाँ धन रहेगा ऋण जहाँ है ऋण रहेगा, धन जहाँ है धन, मतलब एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो वो आदर्श कहलाता है। आदर्श का मतलब क्या, जो सभी नियमों का पालन करे, ठीक है। इसके बाद देखिए जालक दोष, इसको लैटिस डिफेक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैटिस डिफेक्ट या जालक दोष। इसमें कुछ दोष जो आदर्श की स्थिति में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ठोस में दोष कब उत्पन्न होगा, जब इसको गर्म किया जाए, तापमान बढ़ाएंगे, सपोज दैट किसी चीज को, जैसे प्लास्टिक का कोई एक क्यूब ले लेते हैं, ये चौकोर, पहले तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो ऐसे फैलने लगेगा, तो उसके क्रिस्टल भी फैलने लगेंगे धनाम ऋणाम। तो बस ऐसा ही तापमान बढ़ाने पर इनकी क्रमबद्धता में अव्यवस्था आ जाएगी, जैसे किसी ठोस को गर्म करेंगे तो उसका जो क्रम है धन और ऋण है वो क्या होंगे, अव्यवस्थित होने लगेंगे। या कुछ अशुद्धियाँ मिला दो, या कुछ अशुद्धि मिला दी जाए उसमें, तो भी ऐसा हो सकता है। तो जालक दोष कब उत्पन्न होता है, जब तापमान बढ़ाया जाता है, जब ठोस को गर्म किया जाता है या तापमान बढ़ाया जाता है तो उनकी क्रमबद्धता है। जैसे इसको अगर हम गर्म कर दें तो ए डी धन और ऋण कहीं भी खिसक सकते हैं, तो वो हो गया उसमें जालक दोष। अब देखिए जालक दोष जो होते हैं दो प्रकार का होता है, स्टीरियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टीरियोमेट्रिक दोष, ठीक है। स्टीरियोमेट्रिक दोष को बिंदु दोष या पॉइंट दोष भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परमाणु और आयन दोष होता है, मतलब इसमें एक धन और एक ऋण अपने स्थान से, उचित स्थान से हटेगा या विचलित हो जाएगा या होल बन जाएगा, वैकेंसी खाली जगह बन जाएगी। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें पहला है बिंदु दोष जो होता है, तो बिंदु दोष आपको समझ में आया कि परमाणु का जो हो या आयन वो क्या होता है, उसमें एक धन और एक ऋण अपने स्थान से वैकेंसी बना देगा, खाली हो जाएगा या फिर होल बना देता है, तो उसको क्या कहते हैं, बिंदु दोष। बिंदु दोष जो होते हैं धन जितने हटेंगे उतने ही ऋण आयन हटते हैं। इसमें इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर, जैसे विद्युत करंट पास किया तो जो खाली वाला है आगे चला जाएगा और वहाँ पर फिर खाली जो खाली जगह थी वहाँ पे नया धन या ऋण आयन चला जाएगा, फिर वहाँ, तो ये क्रिया चलती रहेगी। अब देखिए इसमें फिर बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकली दोष। शॉटकी